दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों टूटे हुए हाथ से बल्लेबाजी करके रोहित शर्मा ने हारे हुए मैच को जीत में बदल दिया था। देश को तो जिता नहीं पाए लेकिन देशवासियों का दिल जरूर जीत गए और जाते जाते अपने बयान में भावुक होकर भी कुछ ऐसा कह गए, सुनकर शायद आप भी उन्हें सलाम कर जाएंगे। भावुक रोहित शर्मा अपने टूटे हुए हाथ के साथ बल्लेबाजी करने पर क्या बोले और हार के बाद भी मायूस रोहित शर्मा ने रोते हुए क्या कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित कोहली और धोनी में सबसे बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में चल रही 3 मैचों की वनडे सीरीज टेक्निकली भारत के लिए तो आज समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें कि सीरीज का दूसरा वनडे मैच भी शेर बांग्ला स्टेडियम में खेला गया, जहां पर इस सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया था। पहले मैच में हम 1 विकेट के अंतर से हारे, लेकिन अफसोस इस बार केवल 1 विकेट बचा था, फिर भी हार गए। दोस्तों मैच की अगर दास्तान आपको बताएं तो मैच शुरू होता है भारत के टॉस हारने से और दूसरे ही ओवर में हमारे कप्तान साहब इतनी बुरी तरीके से चोटिल होते हैं कि रिटायर्ड हट तो हो ही जाते हैं, साथ ही स्कैन के लिए उन्हें भेजा जाता है। खैर वो फिर ठीक हो जाते हैं और भारतीय गेंदबाजी इतने अव्वल दर्जे की रहती है कि क्या ही लिटिन दास और क्या ही शाकिब अल हसन और क्या ही बाकी सभी खिलाड़ी, कोई भी आज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाया। सिराज ने बैक टू बैक पहले 2 विकेट लिए, उमरान के नाम भी 2 विकेट रहे और सुंदर तो एक ही ओवर में 2 विकेट ले गए। ये 6 विकेट 60 रन के दायरे के अंदर मिल गए थे, ऐसा लग रहा था कि मुकाबला 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। लेकिन किसे पता था दोस्तों कि मेहदी हसन आज 100 रन की नाबाद पारी खेलेंगे और साथ ही साथ उधर महमूदुल्ला 77 रन बनाकर जाएंगे, जिससे कि हमें 272 का टारगेट मिलेगा। दोस्तों टारगेट तो मिला, सो उसे चेस करने के लिए भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन इतना ज्यादा शर्मनाक था कि बताएंगे तो सुनकर आप भी पूरी तरीके से चौंक जाएंगे। दोस्तों कोहली 5 रन, धवन 8 रन, वॉशिंगटन सुंदर 11, केएल राहुल 14, भला ऐसे स्कोर से मैच तो नहीं जीता जाता। हाँ श्रेयस अय्यर ने 82 और अक्षर पटेल ने 56 रन जरूर लगाए थे, लेकिन इन पारियों के बल पर आप जीत की घोषणा नहीं कर सकते। भारतीय क्रिकेट टीम अधर में लटक चुकी थी और दोस्तों जैसे ही शार्दुल ठाकुर आउट होते हैं 207 पर हमारा 7वां विकेट गिरता है, लेकिन तभी एंट्री होती है हिटमैन रोहित शर्मा की। आपने सही सुना दोस्तों, टूटे हुए हाथ के साथ रोहित शर्मा पल्ला थामे मैदान में आते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे कोई भी कभी अपनी यादों से भुला नहीं पाएगा। दोस्तों रोहित शर्मा ने लड़ते हुए अकेले आखिरी विकेट तक 28 गेंदों के अंदर 3 चौके व 5 गगनचुंबी छक्के लगाए, 200 के स्ट्राइक रेट से नाबाद गए और 51 रन की पारी भी खेली। दोस्तों अफसोस के आखिरी गेंद पर जब छक्का चाहिए था तब रोहित 6 नहीं लगा पाए, लेकिन क्या हुआ अगर हम मैच और सीरीज हार गए। यहाँ पर धोनी भी 2015 में हारे थे, परंतु रोहित ने आज जो किया वह वाकई में मिसाल है, दिल जीतने वाला है। और दोस्तों उन्होंने बयान में भी कुछ ऐसा कहा कि सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि अपने टूटे हुए हाथ के साथ खेलने पर पूछे जाने पर रोहित ने अपने बयान में कहा, इस बात में कोई शक नहीं कि काफी ज्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ, डिसअपॉइंटेड हूँ अपनी टीम से और खुद से भी। बांग्लादेश दौरा इस साल की हमारी आखिरी वनडे सीरीज है और कहीं ना कहीं ये हमें दर्शा कर गई है कि हमें कितना कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत है। ना ही हमारा टॉप ऑर्डर इस सीरीज में अच्छा कर पाया और ना ही मिडल ऑर्डर। गेंदबाजों ने तो फिर भी अपना बेस्ट प्रदर्शन आज करके दिखाया शुरुआती दौर में और युवा खिलाड़ियों के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है, और भारत देश के लिए भी। लेकिन अफसोस कि हमारे बल्लेबाज इस लक्ष्य को यहाँ पर चेज नहीं कर पाए। दोस्तों जब रोहित से पूछा गया कि चोटिल होने के बावजूद भी वो मैदान में क्यों खेलने आए, तो इस पर रोहित ने भावुक होकर कहा, देश के लिए अगर हॉस्पिटल के बेड से भी उठकर आकर खेलना पड़े तो भी खेलूंगा। देश को जब जब जरूरत होगी तब तब रोहित शर्मा हाजिर रहेगा, और जब बात देश की आ जाती है तब ये छोटी मोटी चोट नजर नहीं आती। आज मकसद केवल देश को जिताना था, लेकिन अफसोस इसमें मैं नाकाम रहा, इसीलिए अपने 100 करोड़ देशवासियों से सर झुकाकर माफी मांगना चाहूंगा कि आज का मैच और पूरी सीरीज हम भारत को तो नहीं जिता पाए, लेकिन उम्मीद है कि आगे चलकर हम बाकी सीरीज जीतेंगे और वर्ल्ड कप को भी। दोस्तों रोहित शर्मा बेहद ही भावुक थे और उदास भी, क्योंकि वो ना तो जिता पाए थे और उनकी इतनी अच्छी पारी भी व्यर्थ गई। लेकिन इस व्यर्थ पारी को दोस्तों व्यर्थ ना समझिएगा, क्योंकि कप्तान हो तो वाकई में रोहित जैसा। परंतु दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, रोहित की पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? साथ ही रोहित कोहली धोनी में बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। रवि सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।